जय गुरु जी। गुरु जी को नमस्ते, सारी संगत को नमस्ते। मैं गुरु जी के साथ 2002 में जुड़ी थी। मुझे मेरा ब्रदर जो हमारी फैमिली में सबसे पहले गया था वो लेके गया था। तो मेरे ब्रदर की जो मैरिज हुई थी वो एक मुस्लिम लड़की के साथ, डेडी के साथ, उसकी वाइफ मुस्लिम है। तो उसने मतलब घर वालों ने तो हमारे मेरे पेरेंट्स ने नहीं इजाजत दी, पर उसने फिर भी शादी करी। तो मेरी ब्रदर जब अपनी वाइफ को लेके गया गुरुजी के पास, तो मेरी जो भाभी है वो, मेरी भाभी मुस्लिम है, तो वो मानी ना जाने के लिए गुरुजी के पास। तो उसने मेरे ब्रदर को बोला कि क्या कहते हैं, मैं एक शर्त पे आपके साथ जाऊंगी कि आप अगर वो जो आप जिनके पास मुझे लेके जा रहे हैं कि वो मुझे पहचानेंगे कि मेरा क्या रिलीजन। तो मेरे ब्रदर ने बोला ठीक है, तो अब चलो तो सही। तो वो गए, तो अभी एंटर ही उन्होंने एम्पायर स्टेट में किया था। तो दूर से गुए 2002 की बात है। तो जोर से गुरुजी ने बोलते हैं मेरी भाभी को देख के, बड़े मुसलमान आ गए हैं जनकपुरियों। तो आराम हो गई मेरी भाभी, कहते नहीं जनकपुरियों नहीं जमुना पार, दो मिनट बाद। तो मेरी भाभी का जो बैकग्राउंड है वो जमुना पार से ही था, पर वो जनकपुरी में शिफ्ट हो गया था मेरा ब्रदर शादी के बाद। तो उसने उसी वक्त पहचाना कि वाकई में गुरुजी में कोई बात है। तो वो धीरे धीरे जाना शुरू करा उसने, मेरी भाभी ने। तो धीरे धीरे उन्होंने जाना शुरू किया, मेरी भाभी प्रेग्नेंट हुई। तो इतनी कॉम्प्लिकेशंस हो गई कि डॉक्टर ने बोला कि मदर या जो होने वाला बेबी है दोनों में से एक ही बच सकता है। तो ये बहुत परेशान मेरा ब्रदर, ये जा गए गुरुजी के पास, कुछ बोला ही नहीं। पर उसी दौरान गुरुजी कभी इनको अपने पास, मेरी भाभी को नीचे अपने साथ, जब गुरुजी कई बारी बैठे होते थे तो नीचे अपने पास बिठा लेते थे। तो जो जिसको डॉक्टर ने बिल्कुल बेड रेस्ट बोला और वो गुरुजी के पास नीचे बैठती थी, गुरुजी जो प्रसाद खाते थे गुरुजी उसमें से मेरी भाभी को प्रसाद देते थे, मेरी भाभी वो प्रसाद खाया। और जब मेरी भतीजी हुई तो बिल्कुल ठीक हुई और कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुई, मदर भी ठीक और बेटी भी ठीक। तो पर जो मेरी भतीजी हुई वो एकदम ऐसे, जैसे रंग उसका काला और एकदम बिल्कुल सुंदर नहीं, जैसे ऐसे नहीं कि सुंदर पर बच्चा प्यारा ही बच्चा नहीं, तो ये ऐसे ही माथा टिकाने ले गए गुरुजी के पास। तो गुरुजी उसको देख के कहते हैं बेबी डॉल। तो मेरा ब्रदर भी हैरान हो गया, ये गुरुजी ऐसे कैसे इसको बेबी डॉल कह रहे हैं, ये तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं है बेबी डॉल देखते। और आप मानोगे 15 दिन के बाद वो दोबारा गए, वो मेरी भतीजी पूरी बेबी डॉल जैसी दिखने लग गई, सारी संगत उसको वहां बेबी डॉल कहती थी क्योंकि गुरुजी कहते थे, मतलब गुरुजी ने जो कहा आप सोचो वो ही हुआ। और फिर मेरे ब्रदर ने बोला गुरुजी आप इसका नाम रखो, तो गुरुजी ने कहा ठीक है इसका नाम आज से कावेरी। मतलब हमारी स्टार्टिंग गुरुजी के पास हमने जाना शुरू मेरे ब्रदर ने किया था, जो मेरा रियल ब्रदर। उसके बाद से वो धीरे धीरे, उसने एक दिन कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हुए कि वो उसकी जो वाइफ की मेड रखी थी वो भाग गई, तो ब्यूरो के पास जाना पड़ गया। तो वो तो मेरी भाभी तो नहीं जा पाई, तो मेरे ब्रदर ने कहा चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ, मेरे साथ चलो काम है। मैं कहा ठीक है। तो उसने मुझे कहा कि वापसी में रात हो गई है तो यहीं महिपालपुर के पास सोचा कि घर चली जा, मैं ना एक ऐसी जगह जा रहा हूँ जहां मैं लेके नहीं जा सकता। तो मैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने पूछा कि ऐसी तो कौन सी जगह जा रहा है जहां तू मुझे नहीं लेके जा सकता, मैं तो जरूर जाऊंगी। तो फिर उसने मुझे छूटते सार कहा चल तुझे आज एक ऐसी जगह लेके जाऊं, एक स्वर्ग होता है जो धरती पे। मैं कहा अच्छा कौन सी ऐसी जगह है। तो ले गया वो, बस उसने मुझे ये बोला कि वहां जाएगी तो जो मिलेगा वो खा लेना और जो जैसा कहेंगे वो वैसा करना। मैं कहा पता नहीं है कौन सी जगह मुझे लेके जा रहा है जो इतने पहले टर्म्स एंड कंडीशंस तू लगा रहा है। कहता अच्छा तू चल तो सही। मैं गई देखा, बहुत अच्छी जगह, वेरी पॉश एरिया। मैं गई वहां, देखा जाते देखती हूँ गुरुजी बैठे हैं। मैं कहा ये कोई इतना भी सुंदर हो सकता है? तो मतलब मेरे ये तो पता नहीं था कि गुरुजी है या भगवान है या क्या है। तो मैंने माथा, मुझे कहा देखो ब्रदर इशारा करता है कि जाके माथा टेकना। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं गई आगे बढ़ी तो मैंने माथा टेका तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं अपने ब्रदर के साथ एक दो बार जाती रही, मुझे अच्छा लगा जाना। मैंने जब पहली बार जब गई मैंने बोला अगर आप, मेरा भाई कहता है कि आप भगवान हो, अगर आप कुछ हो ना तो जो मेरी जिंदगी में चल रहा है आप उसको पहचानोगे और उस चीज को दूर करोगे।
संगत जी, मैं अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा परेशान थी। मेरी जिंदगी में इतनी हेल थी क्योंकि मेरा जो हस्बैंड थे वो सिवियर एल्कोहलिक थे और मेरे तीन बच्चे हैं, मेरे दो बेटियां ट्विंस और एक बेटा। तो जब तक मैं अपने हस्बैंड के साथ थी, उन्होंने तब भी मेरे पेरेंट्स ही मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे, वही सब कुछ मेरे घर में बच्चों के कपड़ों से लेके मेरी हर चीज छोटी मोटी घर का खाना सब कुछ मेरे फादर ही करते थे, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड थे वो कुछ भी नहीं करते थे, ना वो काम करते थे ना वो कुछ, मतलब अपने बच्चों के लिए एज अ फादर भी उन्होंने कभी कुछ नहीं किया। तो मैंने गुरुजी के पास जब मैं पहली बार गई तब मैंने अपने मन में अरदास की कि अगर आप कुछ हो ना तो या तो उस हस्बैंड को सुधार दो मेरे, या उस इंसान से मेरा छुटकारा दिला दो, क्योंकि मैं तंग आ गई, क्योंकि वो बहुत फिजिकल मेंटली बहुत टॉर्चर करता था मुझे। तो मैं दो चार बारी ब्रदर के साथ आई, तो एक दिन मैं नीचे गुरुजी के पास माथा टेकने लगी तो मुझे दूर से गुरुजी कहते हैं चलो डाइवोर्सी आंटी ऊपर चढ़ के बैठो। मतलब पूरे सारे संगत बैठी हुई थी एम्पायर स्टेट में, मुझे अजीब लगा कि ऐसे कैसे, मतलब थोड़ी, मतलब मैं परेशान हो गई क्या बोला है गुरुजी ने। फिर मैंने अपने ब्रदर को बोला गौरव, उसके ब्रदर का नाम गौरव, गौरव तूने बताया? कहता नहीं तू, मैंने कुछ नहीं बताया, बताना लाओ बेटा। मैंने कहा इनको कैसे पता चला? तो वो कहता ये भगवान है। तब भी मुझे विश्वास नहीं हुआ, फिर मैंने जाती थी तो फिर कहना चलो डाइवोर्सी आंटी ऊपर चलो, मतलब ऐसे मैंने जाना तो गुरुजी ने ऐसे बोलना। फिर मैं बहुत रोती थी, मैं कहा ऐसे सबके सामने बोलते हैं। एक दिन ऐसा आया संगत जी कि मेरे फादर ने मुझे बोला कि बस बहुत हो गया, अब और नहीं रहना उसके साथ, अब बच्चे बड़े हो रहे हैं। मेरे फादर मुझे अपने यहाँ ले आए घर पे, और आज मेरी, जब मैं आई थी अपने घर से, मेरी बेटियां, मेरा बेटा 1 साल का था और आज मेरा बेटा 18 ईयर्स का है। तो इतने साल से गुरुजी ने मुझे उस नरक से निकाला। मेरे फादर, हम लोग, मेरे फादर दरबार साहब को मानते थे, पर हमारी फैमिली में ब्रदर जाता था तो मेरे फादर नहीं मानते थे, पर मैं जाती थी मेरे ब्रदर के पास, मुझे अच्छा लगता था जाना। फिर एक दिन जब ऐसे ही मेरे ब्रदर को गुरुजी बोलते हैं तू कितों आ गया, तेरा प्यो तो मंदा नहीं, तो मतलब हैरान हो गई भी गुरुजी को कैसे पता है हमारे फैमिली में सारी बातें सारी चीजें। जा फिर उस बर्मी नु पेज, बर्मी मेरी भाभी को समझ नहीं आया कि क्या बोल रहे हैं। इसने ब्रदर को बोला कि गुरुजी ने हमें कहा था बर्मी को भेज, कौन है बर्मी अंकल, कौन, कोई बर्मी नाम है क्या है? ये दोनों हस्बैंड वाइफ सोचते रहे। फिर थोड़ी देर बाद स्ट्राइक किया मेरे ब्रदर के दिमाग, ओ माई गॉड बर्मी पापा को बोल रहे हैं, क्योंकि मेरे पापा वॉज बॉर्न इन बर्मा। मतलब गुरु जी को आप ये सोचो, ये भी सब कुछ वो ज्ञानी जान थे जो उनको सब पता था। तो ऐसे ही फिर मेरे ब्रदर ने को, मेरे पापा को मेरे ब्रदर ने बोला आप जाया करो पापा। मेरे फादर डायबिटिक थे बहुत ज्यादा, तो डॉक्टर ने उनको बोल दिया था कि आपकी आंखें किसी वक्त भी जा सकती हैं। तो हम सब बहुत परेशान थे, एक तो मैं फादर से आ गई, ही इज द ओनली पर्सन जो एक ओली सोली मेरे लिए तो वही थे, क्योंकि आई वॉज नॉट अर्निंग दैट टाइम। तो उसके बाद मेरे को, हम लोगों को लगा कि पापा की आंखें चली जाएंगी क्या होगा। तो पर हम ऐसे ही पापा ने गुरुजी के पास आए, मेरे मम्मी पापा आके गुरुजी के पास माथा टेका तो कुछ बोलने लगे, भाई मेरी आंखें, कहते गुरुजी आगे से कई दानी होंदा, चलो जाके पीछे बैठो मरवा साहब, ऐसे करके गुरुजी ने मेरे फादर को बोला। तो अगले दिन पापा डॉक्टर को दिखाने गए, जिस दिन अगले दिन अपॉइंटमेंट थी, तो किसी ने दरियागंज में बताया था कि कोई ऐसे डॉक्टर है वो बहुत अच्छे हैं। तो उन्होंने उसको दिखाया तो वो डॉक्टर कहते हैं आपकी आंखों को तो कुछ भी नहीं है, मैं अभी ऑपरेशन कर देता हूँ और आपकी, आप घर चले जाना। पापा ने कहा अभी ऑपरेशन, मैं तो ना पैसे लेके आया हूँ ना कुछ है, तो आप कैसे डॉक्टर साहब, और मैं गाड़ी चला के लेके आया हूँ, मैं चला के लेके जाऊंगा गाड़ी, और मेरी आईज का ऑपरेशन करोगे तो? वो कहते आप चला के चले जाओगे, आपको कुछ भी नहीं होगा, मतलब माइल्ड सा है, ऐसा कुछ भी नहीं है आपकी आंखों में। और उन्होंने कहा पैसे तो बाद में आ जाएंगे, कोई बात नहीं। और आप मानोगे यकीन कि मेरे फादर, उन्होंने उस वक्त पैसे भी नहीं, और मेरे फादर खुद ड्राइव करके घर आए, और हम हैरान हो गए कि जो बाकी डॉक्टर्स ने, इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि आंखें चली जाएंगी, और मेरे फादर बिल्कुल ठीक हो गए। फिर अगली बारी गुरुजी के पास पापा थैंक्स करने गए, तो दूर से ही पापा को गुरुजी ने बोला चलो पीछे बैठो। मेरे फादर को पापा हमेशा कहते, गुरुजी
मेरे फादर को कहते थे आप पीछे बैठा करो जाके, मीन्स ये मतलब है कि गुरु जी को बताने की जरूरत नहीं होती, वो सब जानते हैं हर चीज। और संगत जी मेरी जिंदगी सब सॉरी अगर मुझसे कहीं कोई गलती होती है वैसे तो सबका ही गुरु जी के बिना, पर मेरी जिंदगी में गुरु जी उसके बाद जब मेरे पापा मेरे बच्चों को तीनों तीन मेरे बच्चे आप बेटा मेरा 1 साल का बेटियां मेरी ट्विंस 8 साल की थी तब मुझे ले आए घर। और जिस टाइम पे मेरे फादर मुझे लेके आए थे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन नहीं अच्छी थी, अर्लियर इट वाज वेरी गुड। मेरे डैड का हमारा अपना बहुत बड़ा घर था, सब कुछ बिजनेस था, बहुत नुकसान हो गया मेरे डैड के बिजनेस में। और जब मैं घर आई उनके पास तब तो इट वॉज नॉट गुड। फिर एक दिन ऐसे ही गुरुजी से पापा ने मम्मी ने पूछा कि गुरुजी कहते कई गाने कहना गुजारा होता रहेगा, चलो चलते रहे ऐसे जिंदगी में। फिर एक दिन आज 10 ईयर्स हो गए हैं मेरे फादर की डेथ हो गई, बस आप सोचो नो अर्निंग मेंबर नथिंग लेफ्ट विद माय मदर रेंटेड हाउस एंड 3 चिल्ड्रन। अगर मुझसे कोई गलती होती है तो प्लीज संगत जी मुझे माफ करना, क्यों बोलने में। उसके बाद ये गुरु जी की समाधि लेने से पहले की बात थी, पापा की डेथ तो बात पे पापा गुरु जी की समाधि लेने से पहले की बात है। गुरु जी लास्ट बारी एक बार मंदिर आए मंडे को, तब हमें छाप मिला गुरु जी से मेरा को लास्ट में सह गए संगत। मैंने मत्था टेका गुरु जी तो कहते हैं उन्हें भी सिर्फ मत्था ही टेका है वो अनपढ़ है, मैं अनु बहुत समझाया है तो नहीं मनता मेरे हस्बैंड के लिए। और मैं सोच रही हूँ गुरु जी ने इसे कब समझाया पता नहीं था ना, पर कहते तेरे सारे कम हो जाएंगे तू फिकर ना करी। मैंने माथा टेका मैं आ गई। और गुरु जी की समाधि लेने के बाद कुछ टाइम बाद मेरे फादर की डेथ हो गई। मैंने कहा गुरु जी अब खुद भी मुझे छोड़ के चले गए, पापा भी चले गए, किसके सहारे अब बताओ मैं क्या करूं। जिस दिन गुरु जी ने समाधि ली उस रात की बात है, मेरे मम्मी पापा यहां नहीं थे दिल्ली में, मैं अकेली थी और गुरु जी बहुत परेशान कि गुरु जी चले गए गुरु जी चले गए अब मैं क्या करूंगी। मुझे बोल के गए थे जरा सब कुछ ठीक होगा। मैं रात को घर आई क्योंकि घर पे लड़कियां बच्चे अकेले थे, मैं ऐसे ही काउच पे बैठी हुई थी अपने भट्टे सोफे पे रोई जा रही थी आप क्यों चले गए गुरु जी आप क्यों चले गए क्यों छोड़ गए मैं क्या करूंगी। इतनी देर में गुरु जी मेरे सामने आज खड़े, मैं डर गई। कहते हैं चली रोंदी जा रही है मैं कितने नहीं गया मैं ऐथे ही हाँ तेरी कुड़ियां नहीं ते मेरी कुड़ियां ने इन्हों का ख्याल रखांगा मैं इन्हों का ब्याह करावांगा सारी दुनिया वेखेगी। और एकदम पूरा पसी नहीं सी गुरु जी आप यही हो। उसके बाद जब पापा की डेथ हुई सब चीजें बहुत अपसेट हो गई, रेंटेड हाउस था, लैंडलॉर्ड ने बोलना शुरू कर दिया कि घर खाली करो मुझे घर खाली चाहिए कहां जाएं हम क्या करें समझ नहीं आया।
बहुत परेशान करने लग गया। मम्मी भी सोच रही थी, पर गुरुजी की मेहर से सिर्फ बहुत अच्छी फैमिली मिली। मेरे मम्मी के ब्रदर सिस्टर्स बहुत अच्छे, उन्होंने बहुत हेल्प की, और सबसे अच्छी बात कि वो सब गुरुजी के पास जाते। इवन मेरे मामा जी, जो मेरे सबसे छोटे मामा, जब उन्होंने हमारे वो उन्होंने गुरुजी के पास जाना शुरू किया, तो डॉक्टर ने उनको बताया था कि उनके क्लॉट आ गया है ब्रेन में, तो वो गए गुरुजी के पास। उन्होंने माथा टेका तो गुरुजी ने बड़ी जोर से जाके उनको डांट लगाई, चल तो मैं कोई हड्डी खोल के रखी है, जा पीछे जा। जब उन्होंने जाना माथा टेकने, तो गुरुजी ने यही बोलना, जा पीछे जा। एक दिन मेरे मामा ने दोबारा टेस्ट कराया, तो वो डॉक्टर्स भी हैरान हो गए कि जो क्लॉट उनके दिमाग ब्रेन के आगे था वो कहीं ऐसी जगह पीछे जाके चला गया जो उनको कभी भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो वो जो पीछे जा बोलते थे गुरुजी, वो उस क्लॉट को बोलते थे। मेरा मतलब ये है कि गुरुजी ने हमारी पूरी फैमिली, मेरे जो मेरे सारे एक्सटेंडेड फैमिली है, सबको इतना ब्लेस किया हुआ, सब जाते हैं और तो सारे ही बहुत अच्छे हैं। मेरा ब्रदर भी, मेरी एक मेरी दो सिस्टर्स भी हैं, एक यूएसए में और एक इधर। जो मेरा जीजा है वो नहीं मानता था, जो ब्रदर इन लॉ है वो नहीं मानते थे बिल्कुल। उनको एक एक्टेरिया नाम की कोई एक होती है जिसकी वजह से कि पूरी बॉडी में एलर्जी हो जाती थी, और वो गले के अंदर भी उनको हो जाती थी, जिसके कारण उनका सांस बंद हो जाता था, तो उनको स्टीरॉइड्स के इंजेक्शन लगवाने पड़ते थे। तो उनके उसके बिना वो ठीक नहीं होते थे, बहुत बीमार थे। तो मेरे पापा उनको बोलते थे, आप बेटे जाया करो गुरुजी के पास, जाया करो प्रसाद खाया करो, आप ठीक हो। वो नहीं मानते थे। फिर एक दिन वो बहुत बीमार हुए, तो अपने आप मेरी सिस्टर को बोलते हैं कि चलो मुझे गुरुजी के पास ले चलो। मंदिर गए, लंगर खाया, लंगर खा के घर आए, तो मेरी सिस्टर को बोलते हैं कहीं मंदिर में ये गुरुजी के मंदिर में स्टीरॉयड तो नहीं मिलाई लंगर में, मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया हूं, मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे कुछ गले में प्रॉब्लम ही नहीं है। तो मेरी सिस्टर हंसने लग गई, उन्होंने पापा को बताया, तो मेरे पापा कहते हैं स्टीरॉयड ये लंगर में गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, और आज इतने साल हो गए हैं वो बिल्कुल ठीक है, उनको दोबारा ये प्रॉब्लम हुई नहीं। बात रही मेरी मेरी जिंदगी, तो गुरुजी ने ऐसी चलाई हुई है, मैं आपको बता रहा, आपको बीच बीच से सॉरी, मेरे को सत्संग करना नहीं आता, पर फिर भी जैसे भी मैं बीच बीच में से कैसे भी करके बोल रही हूँ, तो प्लीज एक्सक्यूज मी। उसके बाद जिंदगी, जब पापा ने पापा की डेथ हुई, उसके बाद जब लैंडलॉर्ड ने बहुत तंग करना शुरू करा कि आपको मकान तो खाली करना पड़ेगा, करे क्या, कहां क्या करे, समझ ही नहीं आया। गुरुजी को बोला, उसने केस कर दिया हमारे लैंड। मैं और मेरी मदर हम दोनों जाते थे, और मैंने ऐसे ही गुरुजी को एक दिन बोल दिया, बहुत परेशान थी, अब मेरे साथ चलो ना कोर्ट पे, तब आपको पता चलेगा कि क्या ह्यूमिलेशन होती है और क्या सहना पड़ता है, अब कुछ करते क्यों नहीं हूं, ऐसे ही बोला। आप भी बहुत सॉरी सॉरी बोला, आप मानोगे, और ये भी बोला गुरुजी अब इधर मुझे और कहीं धक्के मत खिलाना, मुझे अपने ही घर लेके जाना, मुझे अब धक्के नहीं खाए जाते। पास में पैसे नहीं, और गुरुजी को ये बोल दिया कि मुझे अपने ही घर लेके जाना। और आपको पता है आज मैं अपने घर पे हूं, गुरुजी ने अपना घर दिया, अपनी छत दी, ये बहुत बड़ी बात है जी, बहुत बड़ी। आज मेरी डॉटर्स 24 प्लस की हैं, और जब मैं आई थी 8 साल की थी, उनकी एजुकेशन मुझे नहीं पता गुरुजी ने क्या किया। मेरी बेटी ने 12th के बाद एक के 92% आए, एक के 78% आए। एक कहती थी मम्मी मुझे आर्किटेक्ट बनना है, नहीं कहती थी सानिया मेरे पास बेटे पैसे में कहां से कराऊंगी, और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मैं किस तरह पढ़ाऊं,
क्या करूंगी, आगे से एजुकेशन कैसे कराऊंगी, मुझे कुछ समझ नहीं आया। इसने आर्किटेक्ट का भर दिया फॉर्म, वो इसने गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी के उसपे। तो इसको ये था कि मम्मी मुझे वास्तुकला अकेडमी से करना है, वो कॉलेज बहुत अच्छा है, मुझे वहीं करना है। मैं कहा बेटे मैं कैसे करा सकती हूँ एडमिशन, गुरुजी कराएंगे, मैं तो नहीं कुछ करा सकती। इसने फॉर्म भरा, इसने एंट्रेंस भरा, इसका पहली बार में नहीं आया, इसका दूसरी बार में आ गया। पर कॉलेज की ऑप्शंस होती थी कि आपको अपनी मर्जी से नहीं, ऑप्शंस लगती थी आपको कॉलेज कौन सा मिलेगा। हम ऑप्शन पे गए, ऑप्शन पे गए, ये बहुत घबरा रही थी, मैं भी बहुत घबरा रही थी। तो ये रोई जाए, मैं कहा बेटे कोई बात नहीं, जो कॉलेज मिलेगा ले लेना, ये मत करना कि मुझे नहीं जाना उस कॉलेज में। ये कहती नहीं मम्मी मैं तो उस वास्तु में नहीं जाऊंगी, मुझे गुरुजी वहीं भेजेंगे। ये अंदर चली गई, मैं बाहर थी। इसका रोल नंबर मुझे याद नहीं, इसका कुछ 390 था और इसके आगे वाली 389 पे। उधर से ऑप्शन आती है वास्तुकला अकेडमी लास्ट सीट। तो एक लड़की उठ गई, इसको लगा अब तो क्या रह गया। ये कहती मैं वहीं रोने लग गई। और मैं उठ के मैंने कहा मैं उठ के आ जाऊंगी बाहर, मुझे नहीं कहीं और लेना। तो वो लड़की लड़की खड़ी हुई, तो उन्होंने पूछा कहां से, उन्होंने कहा पंजाब से। तो वो कहते हैं सॉरी आउट ऑफ दिल्ली का कोटा खत्म, नेक्स्ट रोल नंबर। और ये खड़ी हो गई। अब देखो गुरुजी ने कैसे इसकी एडमिशन करवाई, मतलब सोच भी नहीं सकते। इसकी एडमिशन हुई और हमें सारी फॉर्मेलिटीज उन्होंने कहा कि आपको दो दिन के बाद 2 लाख रुपए जमा कराने हैं। अब मैंने इसको बोला सानिया अब क्या करेंगे, अब मुझे कुछ समझ नहीं आया। और उसी टाइम के दौरान कोई गुरुजी का फंक्शन था, मैं मंदिर में बैठी हुई थी, अगले दिन फीस जमा करानी थी। मैं फंक्शन वाले दिन रोई जाऊंगा बैठ के कोने में अकेली, गुरुजी कल क्या करूंगी, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे बच्चे को बहुत मुश्किल से चांस मिला, मैं कैसे जमा कराऊं। आप मानोगे, एक फोन आता है, आप कहा, मैंने कहा मैं मंदिर में मैं बात नहीं कर सकती, तो आपकी आवाज बहुत रोते रो रहे हो। मैं कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो आप रो मत, किस बात की बताओ परेशानी। तो मैंने उनको बताया, तो उन्होंने कहा आप कल आ जाना और आके प्लीज बच्चे की एडमिशन करवाओ, कि कोई भी नहीं करा सकता सिवाय गुरु जी। उसकी मैंने एडमिशन कराई अगले दिन, और वो आर्किटेक्ट, और उसने टॉप किया 5 साल का कोर्स, 5 साल के कोर्स, 5 साल उस लड़की ने टॉप किया गुरु जी की मेहर से, और आज वो आर्किटेक्ट। दूसरी बेटी को भी गुरु जी ने, मेरी बेटी सही, दूसरी बेटी को IIPM से एजुकेशन दिलवाई। उसमें वो भी फर्स्ट डिवीजन में उसने भी पास की। बेटा बहुत अच्छे स्कूल में नहीं जाता था, उसको मैं बचती भी कैसे कराऊंगी उसकी एडमिशन। गुरुजी ने उसकी भी बाल भारती में एडमिशन कराई। अब सोचो, और एक पैसे की डोनेशन नहीं, और उसके बाद फीस भी वेवियर करवाई। मेरी सारी जिंदगी, एक एक पल, एक एक सांस सिर्फ गुरुजी, सिर्फ गुरुजी, और कुछ नहीं। मेरी गुरुजी ने मेरी जिंदगी बदल दी, नहीं तो पता नहीं मैं कहां होती, क्या करती, मुझे खुद ही नहीं पता। और जो ब्रदर मुझे लेके आया था, मेरी भाभी, अभी पिछले साल की, ये लॉकडाउन की टाइम की बात है, मेरी भाभी को कैंसर डिटेक्ट हुआ। मेरे जो सब परेशान, सबका हाल बुरा, मेरे ब्रदर का कि क्या करेंगे, अब मैं क्या करूंगा, छोटे छोटे उसके बच्चे, उसकी बेटी 10th में पढ़ती जो गुरुजी ने दी,
उसने बोला गुरुजी अब मैं क्या करूंगा। उसकी रिपोर्ट आई, मेरी सिस्टर जो यूएस से रहती है, हमने उसका जो ब्रदर इन लॉ है वो एक सर्जन है, हार्ट सर्जन है, तो हमने यहाँ से रिपोर्ट भेजी दिखाने के लिए कि आप किसी और डॉक्टर को रेफर कर दो के दिखा के पता कुछ पाओ। तो उन्होंने उसने बचवाई, तो आगे से जवाब आता है कि ज्यादा से ज्यादा 3 महीने, इससे ज्यादा नहीं जी सकती। इधर भी एक दो डॉक्टर से कंसर्न, उन्होंने भी जवाब दे दिया, तो ओवरी का कैंसर डिटेक्ट हुआ था। उन्होंने कह दिया ज्यादा से ज्यादा 3-4 महीने। मेरे ब्रदर का बुरा हाल, बच्चों का बुरा हाल, ऐसी मैंने गुरुजी के आगे अरदास की, गुरुजी आप तो रिपोर्टें बदल देते हो, अब कुछ कर दो ऐसा, प्लीज आप मेरी भाभी की भी रिपोर्ट्स बदल दो, वो कर दो। वो फिर चेक करवाने बीएल कपूर गए, मेरे ब्रदर की भी फाइनेंशियल इतना नहीं था स्ट्रॉन्ग, ऐसे ही बीएल कपूर गए, तो उन्होंने रिपोर्ट्स दोबारा हुई, सारे पेट स्कैन वगैरह हुए, तो उन्होंने कहा गुरुजी ने देखो रिपोर्ट चेंज कर दी, कहते हैं ऑपरेशन हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सुन के मेरे ब्रदर इतना खुश हुआ, हम सब इतने खुश हुए, गुरुजी को थैंक्स किया। बात यहाँ आई कि अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उसका इलाज कैसे कराएंगे, आपको तो पता ही है कि कैंसर की क्वाइट एक्सपेंसिव। अब गुरुजी देखो, गुरुजी ने कोहर अंकल के जरिए मेरी भाभी का पूरा ऑपरेशन का जितना एक्सपेंस आया था सब उन्होंने किया, बहुत हेल्प की, और आज मेरी भाभी बिल्कुल ठीक है। अभी उसका दोबारा पेट स्कैन हुआ है, डॉक्टर कहती है उसको केक काटो, कमाल की रिकवरी हुई है तुम्हारी। कौन कर सकता है सिवाय गुरु जी के, कोई भी नहीं कर सकता। उन्होंने पूरी हमारी फैमिली को कैसे संभाला हुआ है बता नहीं सकती, मेरी एक्सटेंडेड फैमिली को भी, मेरी मासी को भी उन्होंने लाइफ दी, उनको भी न्यू लाइफ दी, मेरी मम्मी जिनके साथ मैं रहती हूँ उनको, ये तो भी रिसेंटली बात है 3 दिन पहले, शी इज ऑल्सो डायबिटिक, 3 दिन पहले की बात है, मैं उसने दूसरे रूम में बैठे सोई हुई थी, तो मेरी मम्मा ने सुबह एकदम सिर्फ ब्रेकफास्ट खाया और अपनी इंसुलिन पूरी लगाई हुई, और उन्होंने कुछ खाया नहीं दोपहर को, और ऐसे सो गई होंगी। मैं अपने उस कमरे में थी, तो मम्मी कहती मेरी पूरी बॉडी मेरी मदर की करे बिल्कुल ठंडी हो गई, पूरी स्वेटिंग और हार्ट सिंक होने लगा। कहते मैंने को लगा मैं गई, आवाज मारने की भी हिम्मत नहीं। गुरुजी को बोला कि गुरुजी मेरे बच्चों को मेरी बेटी बिल्कुल अभी मुझे जिंदगी थोड़ी सी दे दो। इतनी देर में गुरुजी ने मत पकड़ी, कहते मम्मा मेरे ऐसे जैसे किसी ने मेरा हाथ पकड़ा और ले जाके प्रसाद दिया, प्रसाद खिलाया। और मेरा कहने का ये मतलब है कि गुरुजी ने, गुरुजी तो सबसे प्यार करते हैं, सबकी जिंदगी चलाते हैं, सब कुछ करते हैं भगवान, और मेरी जिंदगी का एक सेकेंड, एक पल, एक सब कुछ मैं बहुत सिर खाती हूँ गुरुजी का ना, गुरुजी ये है प्रॉब्लम है, गुरुजी आज ये जन्म है, आज ये करना है, आज ये है। तो गुरुजी के बिना नहीं सोच सकती, आज अगर मेरी जिंदगी में गुरुजी नहीं होते तो मैं कब की मर चुकी होती, मेरी जिंदगी कुछ और होती। आज मेरी जिंदगी में गुरुजी ने अपना घर, मेरे बच्चों की जॉब, मेरी जिंदगी को बिल्कुल जिसे ऑपोजिट कहते हैं ना वो कर दिखाया, और
इतनी हेल्प मेरी कौरव अंकल ने बहुत हेल्प की बच्चों को, मेरे बच्चे पल पल हेल्प करी हर तरफ से। गुरुजी ने उनको भेजा या गुरुजी ने उनको भी कहा कि तेरी जिंदगी गुरुजी की देन है, मेरे बच्चों की, मेरी, कि मुझे सारे इतने अच्छे रिश्ते दिए कि आज मैं चल रही हूं अभी तक। अदरवाइज जो मेरा मेंटल स्टेटस था, मुझे नहीं लगता था कि मैं जी पाऊंगी। कि मैं बच्चों को, तीन दिन बच्चों को लेके आना और उसके बाद कोई भी नहीं, क्योंकि मुझे नौकरी के लिए गुरुजी ने मना किया था। ऐसे ही मैंने एक दिन गुरुजी को ते बोला, गुरुजी मेरी एजुकेशन तो बहुत है पर मुझे नौकरी नहीं मिलती। तो कहते हैं आगे से राधा स्वामियों को कोई लोड़ नहीं नौकरी करने की। उस दिन के बाद से मैंने नौकरी ढूंढी नहीं, क्योंकि गुरुजी ने मना किया था कि नौकरी नहीं करनी। अब वो क्यों नहीं करनी ये गुरुजी को पता है, पर मैंने उसके बाद से नहीं ढूंढ सोचा भी नहीं कि मैं कोई जॉब करूंगी, क्योंकि गुरुजी ने मना किया था। आज मेरी जिंदगी मेरे गुरुजी की वजह से है और बहुत अच्छी है। मेरे बच्चे, मेरी डॉटर्स वेल सेटल्ड है। मेरी एक डॉटर आर्किटेक्चर कंपनी में लगी हुई है, दूसरी डॉटर भी एक एचआर में कंपनी में है गुरुजी की मेहर से। बेटा 12th में है। मैं गुरुजी का थैंक्स तो कर ही नहीं सकती, वो तो सोच भी नहीं सकती। थैंक्स तो इंसान कुछ चीजों के लिए करता है, मेरे तो कुछ कोई इस बात का आंसर ही नहीं है। मेरी जिंदगी गुरुजी की देन है। अभी भी कई बार ऐसा होता है, अभी मुझे पीछे लॉकडाउन में मेरी डॉटर जो आर्किटेक्चर कंपनी में थी, उसने कंपनी वालों ने उसको ले ऑफ कर दिया, कहा कि अभी हम सैलरीज नहीं दे सकते, तो आप प्लीज अभी के लिए कुछ टाइम के लिए ले ऑफ हो जा। तो बहुत अपसेट हो गए थे हम, क्या करेंगे अब, जॉब क्या करेगी, बेटी भी बहुत परेशान थी। तो कुछ दिन तक, कुछ टाइम पहले मुझे मेरी बेटी कहती है, मम्मी हमको पता है मेरे गुरुजी रात को सपने में आए हैं आके मेरे इधर, मेरे दो, इसके ऑफिस में दो बॉस थे, दो का बॉस है, बीच में गुरुजी बैठे हुए हैं, एक बॉस इधर एक बॉस इधर। तो कहती मैं अंदर कमरे में गई थी, गुरुजी आप मेरे ऑफिस, कहती गुरुजी कुछ नहीं बोले बस कितनी देर तक बैठे रहे। तो कितनी देर बैठ जाने लगे तो मुझे जाते हुए कहते हैं और पतली ना हो, वो बहुत पतली है, वो खाना डाइटिंग करती खाती नहीं है खाना, कहते हैं इसको और पतली ना हुई। अब कुछ दो चार दिन पहले की बात है, इसके कंपनी से फोन आ जाए कि आप जॉब पे वापस आ जाओ। तो वही भरोसे उसने मुझे बता रही है, देखो मम्मी गुरुजी आके कैसे आके मेरी जॉब को भी ब्लेस कर गए हैं, दोबारा मुझे उस कंपनी में बुला लिया गया। तो हम बता भी नहीं सकते कि गुरुजी क्या क्या करते हैं हमारे लिए, आउट ऑफ द वे जाके भी सब कुछ करते हैं। तो मैंने उन गुरुजी को बोला, गुरुजी मैं पता है मैं आपका बहुत काती रहती हूँ, हर दिन आपसे कुछ ना कुछ बोलती रहती हूँ, पर मेरे तो आप ही सब कुछ होना, मुझे ही आपको ही बोलना है। और आप मानोगे कि मैं एक मिनट में एक बात चीज भी जिस दिन गुरुजी को बोलती अगले कुछ मिनटों में वो चीज वही होती है। मैं कहती हूँ गुरुजी मैं आपको इतना तंग करती हूँ और आप कितनी जल्दी मेरे लिए सब कुछ कर देते हो, सॉरी मैं आपको बहुत तंग करती हूँ गुरुजी, थैंक यू मंदिर ट्रस्ट फाउंडर के लिए, थैंक यू सत्संग करने का मुझे मौका दिया, बोलने का मौका दिया, सॉरी अगर मुझसे कोई गलती हो गई गुरुजी, संगत सत्संग करते हुए और संगत जी सारी संगत को भी सॉरी, थैंक यू।